वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शाम का समय हो गया, अंधेरा भी हो गया है। आप लोग को देख के अनुमान भी लगा सकते हैं कि एकदम धूप चला गया है। और ये देखिए, एकदम बिल्कुल धूप नहीं है, दिख रहा है ना। और पीछे अपने घर के पीछे बगल में चाची है मेरी, और ये चाची का लड़का है जो कि ये मेरा छोटा सा भाई है। ये लोग इतने छोटे छोटे थे, कितने जब हम लोग बड़े बड़े हो गए तो बहुत छोटे छोटे, हाँ साथ में बड़े, कितना हम लोग इन लोग को चिढ़ाते थे। चिढ़ाते क्या, आप लोग मारते थे, मारती पढ़ाती थी, बहुत मारती भी थी, आती वंदना दी थी। हाँ तो सब लोग ऐसे। और ये जो घर है ना, इस घर पे यादें जुड़ी हुई हैं। अभी किट्टो भी आई थी, तो किट्टो के साथ मैं भी आई थी। हमारी बगल की चाची हैं, लेकिन हम लोग का रिश्ता इतना अच्छा है ना, बगैर यहाँ आए हम लोग का पेट भी नहीं भरता है। पूरा पीछे से रास्ता बंद हो गया है, लेकिन खेत में जगह है, उससे होते हुए शाम को 10 मिनट के लिए आ जाती हूँ बैठने के लिए। तो ये भाई हमारा बहुत हेल्प करता है, हमको बहुत सजेशन देता है। इस बड़ा निखिल से भी बड़ा एक है, शुभम नाम है, वो भी मुझे बहुत गाइड करता है कि दीदी आप ऐसे करिए ऐसे करिए, लेकिन हमको कुछ दिमाग में धसता ही नहीं है, कुछ समझ में आता ही रहता नहीं है बहुत। बस क्या रहता है ना, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम अभी है। क्या है कि तुम लोग ये चीज कर रहे हो, इसलिए तुम लोग को समझ हम में आ रहा है। लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है, लेकिन हम लोग का दुनिया क्या है, हम लोग की शादी हो गई, दिखाना जरूरी कंपलसरी है। ये हम लोग को बहुत समझ में बहुत कम आता है। अब जैसे आर्यन होता है, अगर आर्यन को ये चीज बताते ना तो आर्यन बहुत जल्दी ही फॉलो करता, हम मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आजकल का जो जनरेशन है ना, बात माने ये आज डिजिटल जो लाइफ है, आजकल सब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं ये लोग। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब इनके लाइफ से रिलेटेड डिजिटली, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब से कोई प्रॉब्लम, तो ये लोग उसके बारे में वेल रिसर्च कर लेते हैं पहले। अपना रिसर्च कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के लिए वो काबिल हो जाते हैं। तुम जितना बोले हो हमको कुछ समझ में नहीं। हमारा मोबाइल भी मेरे गलती से बंद हो गया था, वीडियो कुछ शूट नहीं हो पाया। तो जैसे क्या है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं ना, तो सब चीज समझ में आता है। हम लोग को पढ़ाई छोड़ी कितना दिन हो गया, समझ रहे हो? पढ़ाई छोड़ी, फिर उसके बाद एज अ करियर आप लोग, आप और आप वंदना दी और कीर्ति एज अ टीचर भी वर्क किए हैं। पढ़ाई जब आप पढ़ाते थे तो हम लोग आपसे पढ़े भी हैं, तो? मारती हुई मम्मी, मतलब मम्मी हमारी आपको पढ़ाई है, फिर आप लोग हमको पढ़ाई है। नहीं, तुम्हारी मम्मी से हम लोग नहीं पढ़े, वंदना और किट्टो पढ़ी हैं। आप नहीं पढ़े लेकिन आप हमें पढ़ाई इंग्लिश का। तो गाइस हम अब यहाँ से चलते हैं, टाइम हो गया, शाम बहुत हो गया, मैं भी घर जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ, मम्मी भी मेरी वहीं थी तो अभी चली आई थी, क्योंकि शाम का समय हो गया पूजा करने का। तो मैं इधर खेत में आ गई हूँ और इस खेत का नज़ारा आप लोग को भी दिखा रही हूँ। खेत से उतरे हुए मैं अपने घर में जा रही हूँ। पहले उधर से रास्ता था, लेकिन अभी सबका घर बन गया है, तो थोड़ा सा मुझे इस खेत में आना अच्छा लगता है कि नहीं? खेत में आओ, थोड़ा सा हवा लो, गंदगी नहीं है, साफ है, क्योंकि हमारे मार्केट में सब सुविधा है इसके लिए। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में जुड़ी रहिए। मैं इधर देखिए, हमारा घर आ गया है, देख सकते हैं, और ये घर आ गया है, मैं घर पहुंच गई हूँ। अभी दरवाज़ा भी मुझे खटखट 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 करना पड़ेगा, और इस खटखट की आवाज़ से देखती हूँ कौन खोलता है। गांव में आओ, थोड़ा सा अब जाने वाली हूँ ना, बहुत मोह लग रहा है कि न जाऊँ, गांव कितना अच्छा लगता है। गाइस इतना ढेर सारा ईंटा गिरा हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ईंटा है, कितना ईंटा इधर है, और पूरा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ईंटा इधर है। तो ये हमारा पीछे का नज़ारा है, और इधर देखिए पीछे का दरवाज़ा बंद है। अभी मैं दरवाज़ा खट 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 खोलो भाई, इधर देखिए कौन आता है खोलने दरवाज़ा। अरे इंसान है, इंसान इंसान हाँ। ओपन हो गया दरवाजा, सब लोग मुझे पीछे बंद कर दिए थे, अब चाची बंद करेंगी। अब यहाँ हमारा नल है, अब मैं हाथ पैर धुल के तब जाऊंगी ऊपर। तो गाइस झूल लिए, चलो चलते हैं थोड़ा सा मम्मी के पास। इतना गर्मी है, हालत खराब है, सब कपड़ा हमने प्रेस करके पैकिंग कर दिया है, और नाइटी बस निकाल के रखी हूँ, अब नाइटी ही 2-3 दिन पहनूंगी। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए। गाइस मैं घर पे देखिए पहुँच गई हूँ, मम्मी पूजा जा रही हैं दिया जलाने।
अब भाभी इधर बैठी हुई है। अब जब मैं चाची भी जहाँ बैठी थी, चाची भी दिया जलाने जा रही थी, तो मैं आ गई। मेरे इंस्टाग्राम में जो प्रॉब्लम था वो लोग कब से ट्राई कर रहे थे, यूट्यूब पे देख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था उन लोग को भी। कितना देखे वीडियो देखे, कहे दीदी आपको अपना पासवर्ड वगैरह मालूम है? मैं बोली मुझे नहीं मालूम है, आर्यन को मालूम है। तो फिर ठीक है, अब दो चार दिन में जा रहे हैं, आर्यन सही कर देगा। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो आर्यन यूट्यूब से देख के सही कर देता है। तो गाइस हमको डर लग रहा है, एक बार हमारा चैनल डिलीट हो गया था तो कुछ भी करने से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए वेट करूँगी। एकाध रील्स आ जाता है, सब रील्स नहीं आता है। तो गाइस पानी पी लेती हूँ, चल के आई हूँ, प्यास लग गया है। तो आप लोग जुड़े रहिए ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद आप सबसे। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। और सुबह उठते ही मैंने देखी अपने बालों में खूब ढेर सारा तेल लगा लिया। और मैं आ गई हूँ किचन में, साफ सफाई हो गई है, मम्मी पूजा कर रही हैं, भाभी नहा रही हैं, मैं आ गई हूँ किचन में। दीपक भाई जाने का समय हो रहा है, थोड़ा सा मैं चाय रख देती हूँ। और बोला है कि मुझे पानी वाला चाय नहीं चाहिए, उसके सामने एक बूंद भी पानी नहीं डाल सकते हो। चला गया ब्रश करने, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि अभी अभी सब लोग सो रहे हैं, दूध लाने में लेट होगा, तो सोना के लिए मैंने थोड़ा सा दूध निकाल दिया है। नहीं निकालती तो अभी सोना को दूध भी पिलाना है। तो गाइस सुबह उठो, चाय पी लो, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो गाइस मैं इधर चाय रखने जा रही हूँ। आप लोग, अरे गैस बंद हो गया, चालू है, मतलब चालू है लेकिन जल नहीं रहा है। तो इधर गैस हमारा जल गया है, मैं जा रही हूँ मसालेदार चाय बनाने। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्या बने रहेंगे। इधर देखिए सोना मोना सब उठ गए हैं, उठते ही देखिए मैं वाइट लेके बैठ गई हूँ। सोनी, ए सोनी, वाइस कम करो सोनी, ए सोनी। मोबाइल में इतनी बिजी है कि मेरा आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा है उन लोग को। देखिए चाय नाश्ता करके मैं आ गई हूँ बालकनी में, और इतनी कड़क धूप है, आज तो इतना पसीना हो रहा है कि पूछो मत। और इधर सारे कपड़े मम्मी भाभी सब धुल दी हैं, कपड़े फैला दी हैं, जो कपड़े सूखे थे इधर उतार के चौकी पे रखा गया है। मैं जा रही सारे कपड़े को फोल्ड करने। और मैं आ गई आज हॉल में, बहुत गर्मी है, मैं सोची आगे का दरवाज़ा खोलूँगी, ये वाला थोड़ा हवा आएगा, चौकी बैठी रहूँगी। ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम इतना बड़ा। गाइस सारे रूम में बैठी हूँ, अभी एक घंटे बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि पूछूँगा। अगर से कूलर नहीं रहता, पानी उसमें डाल के अगर से इंसान हमारे तो एकदम पागल हो जाते, इतना गर्मी है। जो कपड़े पहनती हूँ, एक तो कॉटन का है, ऐसे जैसे कपड़े आग की तरह जलता है, बहुत गर्मी है। तो गाइस हम ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आपने देखा कि हमारा राज खुल गया शादी के पहले का, आप लोग भी जान लीजिए कि होता है जब एक दूसरे के पास बैठते हैं तो ऐसे ही होता है, सारी जानकारी मिलती है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।